नमस्कार, मैं हूँ प्राची खंडेलवाल। इस वक्त हम मौजूद है उत्तर प्रदेश में। देखिए, आज हम जनता से ये जानेंगे कि योगी सरकार का इतने साल का जो कार्यकाल है उसमें जनता ने क्या क्या बदलाव महसूस किए हैं, क्या क्या विकास देखा है। योगी सरकार के कार्यकाल में आपको क्या क्या बदलाव नजर आए हैं? मैम, बदलाव तो ऐसा है, जहाँ देखो बदलाव ही बदलाव है हमारे हिसाब से। तो पहले बहुत बदलाव आ चुका है, अपने यही गाजियाबाद वाले रोड पे ही देख लो, अपने बहुत बदलाव है। पहले हाईवेज वगैरह नहीं थे, अब हाईवेज वगैरह रोड वगैरह ठीक है, और लड़कियाँ भी पहले की सरकार से बहुत ज़्यादा सेफ है सर। और बहुत ही बदलाव है, अपने राम मंदिर बन गया, सबसे बड़ी बात, जो कभी कोई किसी सरकार में बन नहीं पाया था, वो इस सरकार में हमारा राम मंदिर बन गया। काम तो हुआ ही है, क्राइम कम हुआ है, गुंडा राज पूरा खत्म हो गया। अब कोई जैसे पहले होता था ना कि झूठा मूठा केस लगा दिया जाता था किसी पे, वो सब कम हो गया। पुलिस की भी दादागिरी कम हो गई है, ऐसी चीज़ें हुई हैं, और विकास तो हो ही रहा है। बहुत अच्छा काम हुआ है, रोड भी इधर का बेकार थे, इधर तिगड़ी के गोल चक्कर के साथ में यहाँ पे जो हम आने जाने का रास्ता था वो बेकार ही थे, वो आने जाने लायक नहीं था, वो बन गया है। अभी हाईवे भी बढ़िया बन गया है, इधर का जो जाम वगैरह लगते थे फ्लाईओवर वगैरह बनने से वो बेहतरीन बन गया है, हुआ है। बहुत कम हुआ है, बहुत कम हुआ है। पहले तो रात को 12 बजे के बाद निकल नहीं सकते थे, कल मैं रात को 1 बजे आया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बहुत काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है। बहुत सारी चीज़ें की हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर किया है, लॉ ऑफ अभी जो कानून है वो बहुत अच्छा संभाला हुआ है। प्लस जितने भी क्या कहते हैं आपके स्कूल में चीज़ें हुई हैं, बहुत बदलाव आया बच्चों के लिए, प्लस एजुकेशन में तो बदलाव आया है। साथ में आपके जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। प्लस आपका क्या कहते हैं, जितना भी पैसा पहले वो केंद्र से आता था तो नीचे स्तर तक नहीं पहुंचता था, ग्राम पंचायत तक, बट वो चीज़ें अब नीचे लेवल का पहुंच रहे हैं, चाहे वो घर हो, चाहे शौचालय हो, चाहे जो सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ प्रोवाइड की जा रही है। नथिंग मैम, कुछ बदलना नजर नहीं आया, जो पहले से बदतर, जो पहले हालत थी उससे ज़्यादा बदतर हालत आज हो चुके हैं। क्यों लगता है आपको ऐसा? मैम आपको भी नज़र आ रहा होगा, क्यों लगता है? लेकिन सब आम जनता ने डेवलपमेंट देखा है, तो उस पर आपका क्या कहना? कोई भी 3 पॉइंट बता दी डेवलपमेंट के। क्राइम कम हुए हैं? सबसे ज़्यादा क्राइम हुआ है मैम। अच्छा। और बताइए आप, रोड डेवलप हुए हैं? कहाँ हुए हैं मैम, आपके सामने रोड कहाँ डेवलप हुए हैं बताइए मुझे। अच्छा। हिंदू मुस्लिम देखा आपने कितना हो गया? तो फिर बेशक मैम, अभी की बात है मैम, आपने देखा एक मुस्लिम हिंदू नमाज पढ़ रहा था उसमें लात मारी गई, क्यों हो रहा है मैम ऐसा? कोई जवाब दे सकता है इस बात का, क्यों हो रहा है? वो दिल्ली में हो रहा है, हम तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। मैम कहीं भी हो रहा है, सेंटर में सरकार तो यूसी की है ना मैम, पीएम मोदी की। योगी सरकार के आने से एक तो क्राइम बहुत कम हुआ है यहाँ पर, रोड डेवलपमेंट अच्छी हुई है, और बात करें अगर सभी भारतवासियों के लिए जो उन्होंने गिफ्ट दिया है राम मंदिर का, वो काफ़ी सराहनीय है। हम काफ़ी टाइम से चाह रहे थे जो राम मंदिर बने, और इसके अलावा भी काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, जैसे रियल इस्टेट इंडस्ट्री में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। कहीं ना कहीं जो बिल्डर थे जो चीट कर रहे थे लोगों के साथ में, उन पर भी रोक लगी है। मैम एक तो गुंडागर्दी खत्म है बिल्कुल, ठीक है, बाकी थोड़ी महंगाई तो है, ठीक है, पर अब महंगाई तो क्या करें मैम, तो होगी महंगाई तो रहेगी, ठीक है, और बाकी ठीक है सब। मैम बदलाव तो देखो काफ़ी आए योगी सरकार, योगी के कार्यकाल में, जैसे कि अगर देखा जाए तो जो उनकी कमांड है, जो उनका एक प्रशासन का तरीका है वो बहुत अच्छा है, तो वो अपना कमांड बहुत अच्छे से करते हैं, और कहते हैं प्रशासन को अच्छे से चलाते हैं, तो ये बहुत अच्छा बदलाव है कि प्रशासन अच्छे से चल रहा है, चाहे वो पुलिसकर्मी हो या फिर डिफरेंट वर्क के लोग हों, चाहे वो मीडिया के लोग हों या फिर कोई भी रेलवे वर्क के लोग हों, तो वो कमांड अच्छा कर रहे हैं। इसके अलावा चाहे कोई अदर मुद्दा हो, राम मंदिर का मुद्दा हो या कैसे डिफरेंट तरह के मुद्दे हो, तो उन्होंने उस पर काम किया है, हॉस्पिटल पर काम किया है, सड़कों पर काम किया है, तो जो सड़कों की हालत है वो बहुत ज़्यादा सुधरी हुई है। तो दीज आर सम फैक्टर्स व्हिच आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द ग्रोथ ऑफ द गवर्नमेंट। सबसे बड़ा बदलाव तो यही है कि जो छोटे मोटे चोर चक्के गुंडे खुलेआम घूमते थे, अब उनके अंदर डर है, तो उनके अंदर ऐसा नहीं है कि चलते फिरते किसी से भी कुछ, लड़की से छेड़छाड़ कर दी, किसी से लूट कर ली। बड़े बड़े गुंडों का हाल पता ही है क्या है, कहाँ दुब के बैठे हैं, सबकी संपत्ति नीलाम हो गई है, तो ये डर होना चाहिए खराब लोगों में, जो राज कर रहा है कोई भी नेता हो उसका डर बना होना चाहिए, ताकि कोई भी गुंडा किसी को दबा के ना रखे। ये तो था सिर्फ एक मुद्दा, लेकिन ऐसे ही और मुद्दों पर देश की जनता क्या सोचती है इस बारे में कनेक्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ कनेक्ट।